है, मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रही थी। इसके लिए क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम नंगे पैर है और ये बाबर जावेद डार ने लिखी है। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। मतलब इसके अंदर लिखा हुआ क्या है? ओ, इसके अंदर बाबर जावेद डार ने मौशरे के लोगों के जज्बात को बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान किया है। और आपको पता है ये हमारी मादरी जुबान पंजाबी है। आप भी हमारे साथ भी शेयर करो ना। ठीक है, मैं आपको बाबर जावेद डार की नई कहानी करोना सुनाती हूँ। आप भी ये वाला करोना। हाँ, ये वाला करोना वायरस। और इस करोना वायरस में एक डॉक्टर का क्या किरदार है वो आज मैं आपको सुनाऊंगी। आप भी जल्दी सुनाओ। ओके, आप यहाँ पे ऐसे ठीक से बैठो। इसका नाम है करोना और ये पंजाबी में है। सूरज हर दिन जावेद डार ने कितनी खूबसूरती के साथ एक डॉक्टर को खराज तहसीन पेश की है। और देखिए, इस डॉक्टर ने अपने बाप की बात का भ्रम भी रखा और दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस कहानी में बाबर जावेद डार हमें यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी के लिए वक्फ कर देना चाहिए। जब हम सबको पता है कि हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है, हम सब कोई भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, हर बंदे ने जाना है, हर उन्हें इस दुनिया से चले जाना है, तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी को नेक कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम क्यों अपनी ज़िंदगी को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम सबको पता है कि हम सब ने जाना है। कुल्ली नफ्स ज़ायकातुल मौत, हर रूह ने मौत का जायका चखना है, तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए वक्फ कर देना चाहिए, दूसरों के लिए दूसरों के काम में इस्तेमाल करना चाहिए। और देखिए, इसमें तशबीह कितनी खूबसूरत है। सूरज का तलू होना और सूरज का गरूब होना, हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी ज़िंदगी का सूरज तलू होता है, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हमारे मरने के साथ हमारी ज़िंदगी का सूरज भी गरूब हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी को नेक कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ज़िंदगी गुजारने का तरीका किसी शायर ने भी खूब कहा है, दुनिया उठते रख फकीरा ऐसा बाण खलौन, तू आवे ते खिड़खिड़ हसन, तू जावे ते रोन। शुक्रिया।